हेलो गाइस, मैं हूं नीलू और मेरे चैनल नीशू ऑलवेज खुश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, ये देखिए मेरे घर में ये दो तोते हैं, और एक पीले कलर का है और एक ग्रीन कलर का है। बहुत मस्ती कर रहे हैं ये। मिट्टू मिट्टू मिट्टू। तो गाइज़, ये देखिए हमारे घर में इस तरह की बागवानी लगी हुई है और कई तरह के प्लांट है, ये देखिए। तो गाइज, आज आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है। और आज क्या डेट है? आज 12 अक्टूबर है और 12 अक्टूबर को मेरा बर्थडे होता है। तो देखते हैं मेरे बर्थडे के लिए बच्चों ने क्या क्या तैयारी की है। मुझे तो कुछ पता नहीं है, बस मॉर्निंग टाइम में विश किया गया था, और लेकिन कुछ तो खिचड़ी पक रही है बच्चों के बीच में। तो देखते हैं क्या कर रहे हैं ये लोग। अरे वाह, देखिए यहाँ पे इन्होंने केक अरेंजमेंट किया है और उस पर मेरा नाम लिखा हुआ है, साथ में कोल्ड ड्रिंक है। तो आइए, चलिए आप सब लोग, हम लोग मिलके बर्थडे एंजॉय करते हैं। तो देखिए, मैंने कैंडल को फूक मार दी है और मैंने बैलून को फोड़ दिया है। एक बैलून भी बड़ा सा लगा था, और ये है मैंने केक को कट किया है। मेरी पसंद का पूरा ध्यान रखा गया है। मेरा फेवरेट फ्लेवर है बटर स्कॉच, तो बच्चों ने वही ऑर्डर किया था। और ये देखिए, ये अपना फ़ोटो खिंचाने के चक्कर में मुझे अच्छे से खिला भी नहीं रहा था। और ये मेरी बेटी है, और मैं बहुत अच्छे से केक खा रही थी, सब हंस रहे थे। मेरी तरफ से बोतल मत दो। अरे बाप, बोलो हैप्पी बर्थडे अम्मा। थैंक यू। जो मटेरियल अवेलेबल था उसने बनाया है, और ये देखिए इस तरह से लिखा हुआ है, और यहाँ पर इसने कितना अच्छा क्रिएटिविटी किया है। गूगल पे हम सर्च करेंगे हु इज़ द बेस्ट मदर, तो मेरा नाम आएगा। ये आप देख सकते हैं, ये मैं हूँ। नीलिमा सिंह इज़ द बेस्ट मदर इन द वर्ल्ड। शी इज़ फ्रॉम इंडिया। शी इज़ मदर ऑफ दिव्या एंड हर्षी। इट्स लवली गिफ्ट। थैंक यू माई डॉटर। ये मेरे बेटे का है, और इसने बनाने के बाद यहाँ पे कुछ कलर इसका चला गया होगा, सब कलर फेड हो गया है। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, इससे अच्छा ये राइटिंग लिखता है, लेकिन अभी इसने पता नहीं क्या कर रखा है यहाँ पे। आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसने मुझे एक चीज़ सेलेक्ट करने के लिए बोला था, ये मैं हूँ। और यहाँ पे देखिए 20 प्यार लिखा है इसने, मतलब मुझे इसको 20 बार किस करना होगा।
और इसमें भी दिखा देती हूँ, 100 स्टमक, मतलब इसको स्टमक छूने की आदत है, तो ये बोला 100 टाइम आप मुझे छूने दोगी। तो हम लोग रेडी हो चुके हैं और निकल रहे हैं रेस्टोरेंट के लिए, हम लोग डिनर वहीं पे करेंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं हम लोग रोड पे चल रहे हैं और यहाँ पे पेट्रोल पंप पे हम लोग खड़े हैं पेट्रोल भराने के लिए। चलो इधर देखो, हाय करो, ये देखिए हस्बैंड हेलो कर रहे हैं आप सबको, बेटा भी हेलो कर रहा है और साथ में बेटी भी है, सभी अच्छा तो लगा था गजन। तो अभी हम लोग फिर से रोड पे निकल चुके हैं और ये देखिए जो आपको साइड में सजावट दिख रही है, ये दुर्गा पूजा का पंडाल सजाए हैं जगह जगह पे, ये देखिए, तो इसीलिए थोड़ा रश भी आपको दिख रहा होगा। चलिए आगे भी देखते हैं, देखिए कितना सुंदर लगा रखा है इन्होंने। तो गाइस देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं अपने रेस्टोरेंट में, तो अभी मैं गाड़ी के अंदर हूँ, अब हम लोग निकल चुके हैं और इस रेस्टोरेंट का नाम है बाटी चोखा रेस्टोरेंट और ये ट्रेडिशनल लुक देता है राजस्थान का। आप देख सकते हैं पूरे वॉल पे इस तरह से पेंटिंग की गई है और दरवाजे भी आप देख रहे हैं जैसे राजा महाराजाओं के टाइम में हुआ करते थे। ये देखिए बहुत ही सुंदर है इस तरह से छत पे और दीवारों पे सीढ़ी के साइड में इस तरह से पेंटिंग की गई है। देखिए मोर कितना सुंदर बना हुआ है। तो गाइस अंदर एंट्री करने से पहले हम लोग शूज और सैंडल यहाँ पे रिमूव कर देंगे, उसके बाद हम लोग एंट्री करेंगे। तो देखिए एंटर हो चुके हैं हम लोग और अंदर से कुछ इस तरह का लुक है इसका, देखिए ऐसे बैम्बू का पूरा वर्क है यहाँ पे और यहाँ पे साइड में इस तरह से चौकी लगी हुई है और चौकी के ऊपर बर्तन है जिसमें खाना वो परोसते हैं और ऐसे कॉट लगे हुए हैं, आप बैठ के एंजॉय कर सकते हैं, बिल्कुल गांव वाला फीलिंग आता है। देखिए और ये जो लैंप है इसमें ऐसे लग रहा है कि ये अंदर से जो है वो लौ जल रही है पर यहाँ पे इसमें लाइट लगी हुई है, तो सब कुछ बहुत प्यारा था। तो गाइस देखिए यहाँ पे मैक्सिमम लोग जो आए थे वो लोग वीडियोग्राफी और फोटो ही खींच रहे थे और ये देखिए हम लोग भी चारपाई पे बैठ चुके हैं और हम भी इंजॉय कर रहे हैं और कुछ लोग खाने के लिए भी बैठ गए हैं। अभी उतना रश नहीं है गाइस क्योंकि हम लोग टाइम से पहले आ गए थे कि हम चलेंगे थोड़ा घूमेंगे उसके बाद हम लोग डिनर करेंगे। ये देखिए तो यहाँ पे टेबल चेयर भी लगी हुई है, जिसको अनकंफर्टेबल फील हो वो लोग उस पर बैठ के खा सकते हैं और इस तरह से ये है बर्तन और साथ में कुल्हड़ भी है, देख सकते हैं आप सब लोग। गाइस हम लोग टेबल चेयर पे बैठ गए हैं, ये देखिए और ये यहाँ का मीनू है कुछ इस तरह से वो दिखाते हैं और देखिए पत्तल पे हमारे कुछ कुछ डिशेज आ गई हैं। एक्चुअली सारा कुछ हम लोग शूट नहीं कर पाए हैं क्योंकि वो ऐसे ही ला रहा था और थोड़ा थोड़ा करके, तो हम लोगों ने खाना स्टार्ट कर दिया था तो जो उस टाइम पे आ चुका था वही मैंने वीडियो शूट किया है। अभी देखिए कितना रश हो गया है, कितने सारे बच्चे आ गए हैं और अभी पूरा फुल हो गया है, ये देखिए बच्चे भी मस्ती कर रहे हैं
और देखिए इस तरह से लोग बैठे हुए हैं। तो गाइस हमारा खाना वाना हो गया है, अब हम लोग बाहर निकल रहे हैं। और यहाँ पे जब मैं आई तो यहाँ पे 3 बर्थडे ऑलरेडी सेलिब्रेट लोग कर रहे थे, तो उसका बचा हुआ केक था वो। और देखिए अभी हम लोग सैंडल और शूज सब लोग अपना अपना वेयर करेंगे। और यहाँ पे देखिए गाइस एक पालकी रखी हुई है और एक संदूक है और यहाँ पे बड़ा सा सिंहासन है और साथ में हुक्का भी रखा हुआ है जो पूरा फीलिंग देता है राजस्थान का। तो अभी हम लोग सीढ़ियों से नीचे चल रहे हैं और बहुत ही प्यार से खिलाते हैं वो, पूछ पूछ के आपसे कितनी बार वो पूछते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए अब हम लोग बाहर निकल चुके हैं और अपनी गाड़ी में बैठने जा रहे हैं, तो हम लोग रास्ते में चल दिए हैं। तो गाइज आज का मेरा ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है गाइज तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।